साल 2024 में कब है रक्षाबंधन? सभी भाई बहन जरूर जान लें शुभ मुहूर्त। कब रहेगा शुभ योग, सारी जानकारी जानेंगे। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, 10 पौराणिक मान्यताएं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रक्षाबंधन या राखी भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास, सावन माह की पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा दिवस पर पड़ता है। इस दिन बहनें पूजा अर्चना करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनके स्वास्थ्य व जीवन में सफल होने की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा करने, उन्हें प्यार करने और विपरीत स्थिति में उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयारी रहने की वचन देते हैं। कब है रक्षाबंधन? इस साल सावन पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सुबह 3:04 पर आरंभ हो जाएगी और इसका समापन 19 अगस्त की रात 11:53 पर होगा। ऐसे में रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा। भद्राकाल में नहीं बांधी जाती राखी, रक्षाबंधन का पर्व भद्राकाल में नहीं मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार भद्राकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भद्राकाल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्तों में खटास आ जाती है, इसलिए भाई बहन को राखी शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। साथ ही भद्राकाल में जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान किया जाता है, वहां समस्याएं आने लगती हैं। रक्षाबंधन को लेकर मान्यता, रक्षाबंधन को लेकर विभिन्न मान्यताएं भी हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब महाभारत में भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी तो द्रौपदी ने उनकी उंगली से खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस पर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया था। भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि सबसे पहले इंद्र की पत्नी शची ने वृत्त सुर से युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसलिए जब भी कोई युद्ध में जाता है तो उसकी कलाई पर कलाया, मौली या रक्षा सूत्र बांधकर उसकी पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था और अपने बंधक पति श्री हरि विष्णु को अपने साथ ले गई थी। 2. दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अदित्य के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में असुर राज राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राज बलि महान दानवीर थे तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग ली। बलि ने तत्काल हां कर दी क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन अब बताइए कि 3रा पग कहां रखूं। तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। 3. भगवान को वामनावतार के बाद पुण्य लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी, तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। 4. माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था तो तब उनकी अंगुली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। 4. माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय
जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था तो तब उनकी अंगुली से खून बहने लगा था। इसे देखकर द्रौपदी ने तुरंत ही अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी अंगुली पर बांध दिया था। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज बच गई। कहते हैं कि इसी के बाद रक्षाबंधन पर बहन द्वारा राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। 5. उत्तर भारत में रक्षाबंधन वाले दिन अर्थात श्रावण की पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में समुद्री क्षेत्रों में नारियल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। नारियल पूर्णिमा खासकर सभी मछुआरों का त्योहार होता है। मछुआरे भी मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से भगवान इंद्र और वरुण की पूजा करने से करते हैं। पूजा के दौरान विधिवत रूप में उन्हें केल के पत्तों को समुद्र किनारे नारियल अर्पित किए जाते हैं, इसीलिए इस राखी पूर्णिमा को वहां नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। दक्षिण भारत में यह त्योहार समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से मनाता है। इस दिन जनेऊ धारण करने वाले अपनी जनेऊ बदलते हैं, इस कारण इस त्योहार को अबित्तम भी कहा जाता है। इसे श्रावणी या आर्षि तर्पण भी कहते हैं। 6. प्राचीन काल से ही राखी के रूप में मौली या कलावा बांधने का प्रचलन रहा है। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन 3 रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहां साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। 7. शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली या राखी बांधने से त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु व महेश तथा 3 देवियों लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। यह मौली किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। 8. संकल्प के लिए भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जिस तरह की राजा बलि ने 3 पग भूमि को दान में देने के पहले जल छोड़कर संकल्प लिया था कि मैं 3 पग भूमि दान करता हूं। इसी तरह रक्षाबंधन पर हम बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने राखी या मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूं, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। रक्षाबंधन पर करें ये 5 खास टोटके भाई बहन की तरक्की के लिए है फायदेमंद। रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन की तरक्की के लिए कुछ खास उपाय करना शुभ फलदायी माना जाता है। इन उपायों से जीवन में समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। सावन पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन की तरक्की के लिए कुछ खास उपाय करना शुभ फलदायी माना जाता है। इन उपायों से जीवन में समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, तरक्की मिलती है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। भाई को नहीं लगेगी नजर। रक्षाबंधन के दिन बहनें पूजा की थाली में राखी के साथ फिटकरी का टुकड़ा रखें। राखी बांधने के बाद भाई के सिर से इस फिटकरी को
7 बार वार कर चौराहे पर फेंक दें। मान्यता है ये उपाय भाई को नजर दोष से बचाएगा। धन लाभ। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले भाई बहन मां लक्ष्मी को पलाश का फूल अर्पित करें। ये फूल धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है इससे आर्थिक परेशानियां खत्म होती हैं। धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। ग्रह दोष होगा दूर। कुंडली में ग्रहों की अशुभ स्थिति के कारण मानसिक, आर्थिक और शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं तो भाई बहन रक्षाबंधन के दिन रात में शिवलिंग का अभिषेक करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। सावन पूर्णिमा पर किया ये उपाय ग्रहों की अशुभता दूर करेगा, खुशियां आएंगी। अगर आपका धन कहीं बहुत दिनों से अटका हुआ है तो रक्षाबंधन के दिन एक कपूर को जलाकर काजल बनाएं, फिर एक साफ कागज पर काजल से उस व्यक्ति का नाम लिख दें जिस पर धन है, फिर कागज को एक सुनसान जगह पर भारी पत्थर से दबा दें। ऐसा करने से आपका अटका हुआ धन वापस आ जाएगा। रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रमा है, इसलिए इस दिन महादेव के साथ चंद्रदेव की पूजा करें और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से घर में शांति और समृद्धि आती है, साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। बुरी नजर को दोष से बचने के लिए रक्षाबंधन के दिन बहने जब भाई को राखी बांधें तब पूजा का थाली में एक फिटकरी भी रख लें। राखी बांधने और तिलक लगाने के बाद भाई के सिर से फिटकरी को 7 बार वार करके या तो किसी चौराहे पर फेंक आएं या चूल्हे की आग में डाल दें। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति दूर रहती है और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। अगर आपका कोई कार्य बार बार अटक रहा है तो रक्षाबंधन के दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करें और उनके सामने लौंग सुपारी रख दें। इसके बाद जब भी काम पर जाना हो तो लौंग और सुपारी को अपने पास रख लें और गणेश जी का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपके कार्य की रुकावट दूर हो जाएगी और जीवन में उन्नति आएगी। रक्षाबंधन के दिन विधिपूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा करें और उनको दूध, चावल, केसर मिश्रित खीर आदि का भोग लगाएं। इसके बाद घर की सबसे बड़ी महिला को खीर खिलाएं और आशीर्वाद लें। इसके बाद सभी में खीर को बांट दें। ऐसा करने से नौकरी व कारोबार में वृद्धि होती है और भाग्य भी मजबूत होता है। आर्थिक तंगी से मुक्ति चाहते हैं तो रक्षाबंधन पर जरूर करें राखी से जुड़ा ये उपाय। हर वर्ष सावन माह की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। राखी से जुड़े ज्योतिषीय उपाय। रक्षाबंधन के दिन मां लक्ष्मी को लाल या फिर गुलाबी रंग की राखी चढ़ाने से आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। रक्षाबंधन के दिन भगवान गणेश को राखी बांधना शुभ होता है। इससे भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ता और आपसी मनमुटाव दूर हो जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन हनुमान जी को राखी बांधने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और कुंडली में मंगल की स्थिति भी मजबूत होती है। रक्षाबंधन के दिन बहने भाई को राखी बांधते समय थाली में फिटकरी भी रखें और राखी बांधने के बाद फिटकरी को भाई के सिर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाकर फेंक दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रक्षाबंधन के दिन एक नारियल लें और लाल मिट्टी के घड़े में रखकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से घर में आ रही धन की समस्या दूर हो जाएगी। रक्षाबंधन के 10 अचूक उपाय। घर से दूर होगी दरिद्रता और मिलेगा सभी समस्याओं का समाधान। धन वापसी का उपाय। अगर आपका धन लंबे समय से कहीं अटका हुआ है तो रक्षाबंधन के दिन एक अनोखा उपाय करें। कपूर को जलाकर उससे काजल बनाएं और एक साफ कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके पास आपका धन है। इस कागज को एक सुनसान जगह पर भारी पत्थर के नीचे दबा दें। ऐसा करने से आपका अटका हुआ धन शीघ्र वापस आ जाएगा। चंद्रमा की पूजा। रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस तिथि के स्वामी चंद्रमा हैं। इस दिन महादेव के साथ चंद्रदेव की भी पूजा करें और शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य दें। इस विधि से आपके घर में शांति और समृद्धि आएगी और आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होगी। बुरी नजर से बचने का समाधान। बुरी नजर के से बचने के लिए रक्षाबंधन के त्योहार के दिन बहने
जब अपने भाई को राखी बांधें, तब पूजा की थाली में एक फिटकरी भी रखें। राखी बांधने और तिलक लगाने के बाद भाई के सिर से फिटकरी को 7 बार वारें और फिर इसे किसी चौराहे पर फेंक दें या चूल्हे की आग में डाल दें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। कार्य में रुकावट का समाधान। अगर आपका कोई कार्य बार बार अटक रहा है तो रक्षाबंधन के दिन गणेश जी की पूजा करें और उनके सामने लौंग सुपारी अर्पित करें। जब भी काम पर जाएं तो इस लौंग और सुपारी को अपने पास रखें और गणेश जी का आशीर्वाद लें। इस उपाय से आपके कार्य की रुकावटें दूर हो जाएंगी और जीवन में उन्नति होगी। लक्ष्मी की कृपा। रक्षाबंधन के दिन विधिपूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें दूध, चावल और केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं। इसके बाद घर की सबसे बड़ी महिला को खीर खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। फिर इस खीर को सभी में बांट दें। इस उपाय से आपके नौकरी और कारोबार में वृद्धि होगी और भाग्य भी मजबूत होगा। कर्ज मुक्ति का उपाय। रक्षाबंधन के दिन गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर स्वादिष्ट पुए बनाएं और इन्हें किसी हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ाएं। इसके बाद इन पुओं को गरीबों में बांट दें। इस साधारण से उपाय से कर्ज से मुक्ति मिलेगी और धन की आवक शुरू हो जाएगी। बीमारी से निजात। यदि आप अक्सर बीमार रहते हैं तो एक सरल उपाय अपनाएं। रात को सोते समय एक सिक्का सिरहाने रखें और सुबह होते ही इस सिक्के को श्मशान के बाहर फेंकाएं। इससे बीमारी की समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी और आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। उधारी वापस पाने का उपाय। अगर किसी ने आपसे पैसा उधार लिया हो और वह वापस न लौटा रहा हो तो रक्षाबंधन के दिन सूखे कपूर का काजल बनाएं। इस काजल से एक कागज पर उसका नाम लिखें और इस कागज को एक भारी पत्थर के नीचे दबा दें। इस उपाय से आपका पैसा बहुत जल्दी वापस मिल जाएगा। दरिद्रता दूर करने का उपाय। रक्षाबंधन के दिन वट वृक्ष के नीचे उगा हुआ कोई भी पौधा लेकर आएं और इसे अपने घर के किसी गमले में लगा लें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और स्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास होता है। महालक्ष्मी पूजन। रक्षाबंधन के पावन त्योहार के दिन महालक्ष्मी मंदिर में जाकर श्रद्धा और विश्वास के साथ देवी लक्ष्मी का पूजन करें। देवी लक्ष्मी को दूध, चावल, केला और पंचमेवा से बनी खीर प्रसाद के तौर पर अर्पण करें। इसके बाद इस खीर को बालकों में प्रसाद के रूप में बांट दें। इस उपाय से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप किसी काम में बार बार विफल हो रहे हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए रक्षाबंधन के दिन भगवान गणेश की पूजा करें। श्री गणेश की मूर्ति या प्रतिमा के सामने लौंग और सुपारी रखकर पूजा करें। आप किसी भी काम के लिए जाएं तो यह लौंग और सुपारी अपने साथ रखें। कहा जाता है कि अगर आपके जीवन में धन का अभाव रहता है तो किसी ऐसे वट वृक्ष के पास जाएं जिसमें एक और छोटा वट वृक्ष निकल रहा हो। उसके बाद उस पौधे को लाकर अपने घर में किसी गमले में लाकर उसकी सेवा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं। 3. शास्त्रों के अनुसार अगर आपके किसी को पैसा उधार दिया तो धन वापसी के लिए रक्षाबंधन के दिन एक मिट्टी के बर्तन में कपूर लेकर उसे जलाएं। इसके ऊपर एक बर्तन रख दें जिससे कपूर का सारा धुआं उस पर आ जाए। इसके बाद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखकर भारी पत्थर से दबा दें। रक्षाबंधन के दिन बहन के हाथ से गुलाबी कपड़े में अक्षत, 1 रुपया और सुपारी लें। इसके बाद बहन को मिठाई, कपड़े और रुपए देकर चरण छुएं। फिर गुलाबी कपड़े को धन वाले स्थान पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। रक्षाबंधन के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें खीर का भोग लगाएं, फिर इस प्रसाद को वितरित करें। मान्यता है कि ऐसा करने नौकरी व व्यवसाय में तरक्की मिलती है। 1 घड़े में नारियल रखकर उस पर लाल कपड़ा ढककर बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रक्षाबंधन के दिन महालक्ष्मी मंदिर या घर पर मां लक्ष्मी की पूजन करें। दूध, अक्षत, केला और पंचमेवा से बनी खीर का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को छोटे बच्चों में बांट दें। बिजनेस में वृद्धि होने लगेगी। गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर पुए बनाएं। फिर रक्षाबंधन के दिन हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ाएं और गरीबों में बांट दें।
ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिलेगा। रक्षाबंधन के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और भोग लगाकर गुलाब के फूल चढ़ाएं। रक्षाबंधन के दिन बहने करें, ये उपाय भाई के जीवन में नहीं आएगी कोई भी परेशानी। अगर आपका भाई मानसिक रूप से कुछ परेशान है तो रक्षाबंधन के दिन आप क्या खास उपाय कर सकते हैं वो भी नोट कीजिए। आपको पानी वाला हरा नारियल लेकर अपनी गोद में रखना है और इसके बाद चंद्रमा के मूल मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है AUM श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रम से नमः। इस मंत्र का कल के दिन 108 बार जाप करें और जाप करने के अगले 24 घंटे के भीतर उस नारियल को जल में प्रवाहित कर दें। आपके भाई की सभी परेशानियों का हल हो जाएगा। अगर आप अपने भाई की आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो कल रात के समय मीठे दूध में थोड़े से चावल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और अर्घ्य देते समय चंद्रदेव के मंत्र ऊ सोमेश्वराय नमः का जाप करें। बस कुछ ही समय में आपको अपने भाई की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपके भाई का पैसा किसी के पास फंस गया है और वह देने का नाम नहीं ले रहा है तो रक्षाबंधन पर कपूर का काजल बनाकर लोहे की सलाई की मदद से कोरे कागज पर उस काजल से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिससे पैसा वापस लेना है। फिर उस कागज को मोड़कर एक भारी पत्थर के नीचे दबा दें। इससे जल्द ही आपके भाई का रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा। अब आपको कपूर से काजल बनाने की विधि भी बता देते हैं। इसके लिए आपको दो मिट्टी के स्कोरे लेने हैं। एक में कपूर डालकर जलाइए और जलाते समय दूसरा स्कोरा उसके ऊपर ढक दीजिए। जब वह कपूर पूरी तरह काला हो जाए तो उसमें सरसों का तेल डालकर उपाय के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।